नाउ वी विल सी ट्रिगर्ड बैरियर, और जब ये हो जाएगा तो तीनों टाइप के बैरियर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। स्टोनलेस बैरियर खत्म, 1 महीना पहले भेजे हैं, बहुत सारा व्यूज भी उसमें आया है। वाटर बैरियर हम भेज रहे हैं और ट्रिगर्ड बैरियर, तो आपका बैरियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ट्रिगर्ड बैरियर ये इसको टी बैरियर बोलते हैं, तो आप ये मत बोल दीजिएगा कि स्टोनलेस बैरियर को एस बैरियर बोलेंगे, उसको एसडीबी बोलते हैं। ठीक है, उसको एसडीबी बोलते हैं, ट्रिगर्ड बैरियर को टी बैरियर बोलते हैं, वाटर बैरियर को डब्ल्यू बैरियर भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। देखिए, ट्रिगर्ड बैरियर को चार हेडिंग में आप डिस्क्राइब कीजिएगा। इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिगर्ड बैरियर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रिगर्ड बैरियर एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रिगर्ड बैरियर। जैसा हम आप लोगों को बताया है, स्टोन डस्ट बैरियर और वाटर बैरियर पेसिव टाइप के बैरियर होते हैं। ये अपने आप कुछ नहीं करते, ये किसके चलते एक्शन में आते हैं? डायनेमिक प्रेशर ऑफ एक्सप्लोजन की। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा बैरियर नहीं है कि किसी दूसरे पे उछलेगा, ये अपने से काम करेगा, इसलिए इसका क्या नाम है? ट्रिगर्ड बैरियर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिखिएगा, कितने? 2 सेंटेंस, ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, और हम तो बहुत इजी सी भाषा में पीडीएफ भेज रहे हैं। क्या लिखेगा? स्टोन डस्ट बैरियर इंट्रोडक्शन, स्टोन डस्ट बैरियर एंड वाटर बैरियर सफर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्शन ऑन द डायनेमिक प्रेशर ऑफ एक्सप्लोजन। वो स्टोन डस्ट बैरियर और आपका वाटर बैरियर डायनेमिक प्रेशर पे, एक्सप्लोजन के डायनेमिक प्रेशर से काम करता है, तभी ना उसका सेल्फ टोपल डाउन होता है। लेकिन ये क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, ये अपने काम करेगा। देखिए, आप दूसरा पॉइंट में आएंगे तब ना पता चलेगा, प्रिंसिपल में आएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके क्या होते हैं? इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? देयर आर 3 कंपोनेंट्स। एक होता है सेंसर या डिटेक्टर। पहला कंपोनेंट क्या है? सेंसर या डिटेक्टर, यही है जो इसके ऑपरेशन को इंडिपेंडेंट कर देता है। ठीक है, जबकि आपको डब्ल्यू बैरियर और एसडीबी में वैसा कोई चीज नहीं था। इसमें क्या है? इसका पहला कंपोनेंट क्या है? जो बेसिक कंपोनेंट है, जो प्राइम कंपोनेंट है, दैट इज सेंसर और डिटेक्टर व्हिच डिटेक्ट द डेवलपिंग एक्सप्लोजन। ठीक है, आपको यह नाम लिखना है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, क्या नाम लिखेगा? नंबर 1 में सेंसर आर डिटेक्टर, दूसरा डिस्पर्सर, वो जो सिग्नल वहां से उस आया उसको तो रिसीव किसने किया? सेंसर ने या डिटेक्टर जिसको हम बोल रहे हैं। अब वो सिग्नल किसको भेजेगा? डिस्पर्सर को भेजेगा, और डिस्पर्सर क्या करेगा? आपका सेल्फ के ऊपर जो भी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रखा, हम बताएंगे थर्ड कंपोनेंट एक्सटिंग्विशिंग, उस एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को एक्सप्लोजन पाथ में टोपल डाउन कर देगा। ठीक है, थर्ड क्या बोला? एन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट। जैसे आप स्टोन डस्ट बैरियर में एक्सटिंग्विशिंग एजेंट क्या देखे? स्टोन डस्ट। वाटर बैरियर में एक्सटिंग्विशिंग एजेंट क्या था? वाटर। अब यहां पर क्या एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होगा? कोई आग बुझाने वाला पाउडर या वाटर भी हो सकता है। वाटर आर एक्सटिंग्विशिंग पाउडर, केमिकल पाउडर। ओके, ये क्या हुआ? इसके कंपोनेंट्स ऑफ ट्रिगर्ड बैरियर। कितना चीज बताया जी, याद रखेगा ध्यानपूर्वक? 3, सेंसर और डिटेक्टर, डिस्पर्सर, एंड थर्ड वन इज एन एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, मे बी केमिकल एक्सटिंग्विशिंग पाउडर और वाटर। ओके, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रिगर्ड बैरियर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एसडीबी का भी प्रिंसिपल लिखाए थे, प्रिंसिपल या मैकेनिज्म करके लिखाए होंगे, बात एक ही है। वाटर बैरियर का भी लिखा है, इसका भी तो लिखाना ना होगा, बताना ना होगा। वो दोनों जो है पैसिव टाइप के बैरियर है, एसडीबी और डब्ल्यू बैरियर, वाटर बैरियर, वो एक्सप्लोजन प्ले, जो एक्सप्लोजन के चलते जो डायनेमिक प्रेशर है उसके चलते
उसका सेल्फ टोपल डाउन होता है, उसके टोपल डाउन होने से जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट रखा है स्टोन डस्ट या वाटर, वो ऑनकमिंग एक्सप्लोजन के पाथ में फैल जाता है और फ्लेम को अरेस्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, इसमें क्या बताया हमने, इसका प्राइम कंपोनेंट क्या बताया, सेंसर। क्या बताया, सेंसर। अब सेंसर क्या करेगा, जो डेवलपिंग एक्सप्लोजन है उसको सेंस करता है। सेंसर का काम क्या है, सेंस करना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बहुत सारे सेंसर होते हैं, ठीक है ना। वो सेंस किया, सेंस किया तो सिग्नल भेज देगा डिस्पर्सर को, और डिस्पर्सर क्या करेगा, जो भी एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है सेल्फ पे रखा हुआ उसको टोपल डाउन करेगा। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड यूजिंग टी बैरियर और ट्रिगर बैरियर। नो एडवांटेजेस क्या है, हम डब्ल्यू बैरियर में बताए, यहां बताए कि मेंटेनेंस इन दोनों का बहुत कम होता है, लेस मेंटेनेंस होता है, ठीक है। मेंटेनेंस क्या होता है, लेस होता है, इसका कॉस्ट भी कम आता है, ठीक है। और ये इफेक्टिव है हर कंडीशन में, ठीक है ना। ये हर माइंड के हर भाग में हर कंडीशन में इफेक्टिव है। और आप देखेंगे एसडीबी और डब्ल्यू बैरियर दोनों जो है वो सिर्फ कोल्डस्ट एक्सप्लोजन को ही अरेस्ट करने के लिए थे, लेकिन ये जो है कोल्डस्ट गैस एक्सप्लोजन दोनों को अरेस्ट कर सकता है। मेंटेनेंस कास्ट तो कम ही है। और थीन सिम में ये भी एक बहुत प्राइम एडवांटेज है, ये ख्याल रखिएगा, थीन सिम जहां सिम पतला है वहां पर ट्रिगर्ड बैरियर आप लगा सकते हैं, डब्ल्यूबी और स्टोन डस्ट बैरियर नहीं लगाएंगे, बड़ा ताम झाम करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो जगह चाहिए वो जगह कम पड़ जाएगा थीन सिम में, तो आप बढ़िया से लगा नहीं सकते। और हम बताए थे एसडीबी या वाटर बैरियर रूप से कितना जगह क्लियर कर सकते, 10 सेंटीमीटर रूप से, साइड से 10 सेंटीमीटर, फिर आपने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसको आने जाने के लिए भी आपको जगह रखना ना होगा, आगे वाले स्टोरेज बैरियर के पास जाना है तो एक ही स्ट्रक्चर नहीं ना रहता है, दो तीन स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। तो वहां तक आने जाने के लिए आप जगह, तो थीन सिम है और आपका हाइट भी कम है तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो वहां पर ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस रखता है। तो हमारा तीनों बैरियर आज कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम मूव करेंगे।